hello everyone once again welcome back to our channel this is dr mayank and i welcome you to my, back to my channel so today we'll talking about a uh, university in which you have many options for the do uh, for phd programs or sarah like sir please suggest some university which is the private university and i can say which is the best best private university to do research अब इसमें क्या बेनिफिट है बिकॉज आई एम इन टच विद फ्यू ऑफ द स्टूडेंट्स हु आर डूइंग रिसर्च फ्रॉम अमिती यूनिवर्सिटी एंड दे आर रियली डूइंग वेल सबसे अच्छी बात है वहाँ के क्या बेनिफिट्स हैं वहाँ करने में क्या बेनिफिट होगा आपको फिनिश कैसे होगी ये सारी चीज़ें मैं इस वीडियो में डिटेल में बताता हूँ अ विद द पी एच डी प्रोग्राम ऑफ द अमिती यूनिवर्सिटी विच इज़ करंटली ओपन इन डिफरेंट ब्रांचेस तो चलिए ये है देखिए एम यूनिवर्सिटी की एडमिशन की वेबसाइट एंड इफ यू सी द इंट्रोडक्शन दैट इज ऑफ नो यूज बिकॉज इंट्रोडक्शन में सब यही लिखते हैं कि पार्ट टाइम फुल टाइम हमारे पास सब कुछ है तो दैट इज़ वेरी गुड तो अब देखते हैं वट आर द प्रोग्राम ऑफर्ड इन एम इ टी यूनिवर्सिटी यू विल बी शॉक बी लाइक दे हैव ऑल द डिपार्टमेंट्स ऑल द प्रोग्राम एंड ईच एंड एवरी प्रोग्राम इज रनिंग इन अ रेगुलर एन अ पार्ट टाइम बेसिस तो अभी जिस जगह का फॉर्म ओपन है हम सिर्फ वहीं की बात करते हैं वील डी सेलेक्ट ऑल द कैंपस एंड जस्ट लेफ्ट आउट द टू कैंपस एंड विच करेंटली द पी एच डी फॉर्म इज ओपन विच इज द नोएडा तो अगर आप देखेंगे इसके अंदर ब्रांच तो एग्रीकल्चर साइंसेज एलाइट साइंसेज अब देखिए हर पी के डिपार्टमेंट के अंदर रेगुलर एंड अ पार्ट टाइम ऑप्शन आर अवेलेबल सो अप सपोज आई क्लिक ऑन द रेगुलर वन दिस इज द प्रोग्राम कोड दिस इज द एलिजिबिलिटी योर मास्टर्स एंड द फिफ्टी परसेंट मार्क्स आप एग्रीकल्चर के किसी भी ब्रांच से कर रहे होंगे विथ फिफ्टी फाइव परसेंट मार्क्स देन यू आर कंप्लीटली एलिजिबल इवन इफ यू आर फ्रॉम अ फॉरिन यूनिवर्सिटी अगर आपकी मास्टर्स फॉरिन यूनिवर्सिटीज है देन ऑल्सो यू आर एलिजिबल उसके बाद फीस स्ट्रक्चर देखिए रेगुलर जो भी डिपार्टमेंट है द फी स्ट्रक्चर इज फिफ्टी थाउजेंड पर सेमिस्टर एंड इन केस ऑफ द पार्ट टाइम इट विल गोज टू दर्टी थ्री पॉइंट फाइव यानी थर्टी थ्री थाउजेंड फाइव हंड्रेड रुपीज़ पर सेमेस्टर सो दिस इज द डिफरेंस बट पर्सनली आई एम टेलिंग यू आई सजेस्ट यू वन थिंग पहले तो आप डिपार्टमेंट चूज कर लीजिए उसके बाद ये बायोसाइंस बायो टेक्नोलॉजी बायो बायो बहुत ही सारे डिपार्टमेंट हैं और आप किसी भी डिपार्टमेंट में पी कर सकते हैं वॉट यू हैव टू डू यू हैव टू चूज द डिपार्टमेंट दैन यू टू डिसाइड द रेगुलर इन द पार्ट टाइम बट आई सजेस्ट मैं क्यों सजेस्ट नहीं करूँगा अभी मैं आपको दिखाता हूँ तो नाउ द एडमिशन प्रोसीजर एडमिशन प्रोसीजर इज वेरी सिंपल एप्लीकेशन ऑनलाइन है आई नॉट रीड आउट आई टेल यू दार्ड एंड फास्ट प्रोसीजर यू हैव टू फिल द ऑनलाइन एप्लीकेशन देयर विल बी एन एग्जामिनेशन जैसे बाकी यूनिवर्सिटीज़ में एग्जामिनेशन होता है दे कंडक्ट अ टेस्ट कॉल्ड पी ई टी विच इज़ द प्रोसेस ऑफ पी एच डी एंट्रेंस टेस्ट तो वो एंट्रेंस टेस्ट होगा आपका उस एंट्रेंस टेस्ट के अंदर दो सेक्शंस होंगे दे विल बी द जनरल एंड योर सब्जेक्ट स्पेसिफिक फिफ्टी फिफ्टी मार्क्स के एंड द फाइनल इंटरव्यू बट द बेस्ट पार्ट इज डैट इफ यू आर क्वालिफाइड अगर आपने जे आर एफ यू जी सी नेट या सी एस आई आर नेट कुछ भी निकाल रखा है देन यू विल दिस एंट्रेंस एग्जामिनेशन आपको एंट्रेंस एग्जाम नहीं देना है अपने फॉर्म भरना है डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना है देन आपका डायरेक्टली इंटरव्यू होगा सो वॉट शुड बी द नेक्स्ट आपको सारी डिटेल अपलोड करनी है स्कैन करके और उसके बाद फॉर्म को सबमिट कर देना है अब हम बात करते हैं इंपॉर्टेंट डेट्स की तो डेट्स आपको हाँ ये चीज़ बहुत ज़रूरी है मिनिमम एंड मैक्सिमम डिग्री ड्यूरेशन अगर आप फुल टाइम में लेंगे तो आपका मिनिमम पीरियड जो होगा दैट शुड बी थ्री इयर्स एंड पार्ट टाइम विल बी थ्री फोर पॉइंट फाइव दैट इज़ वाई आई सजेस्ट यू डू नॉट गो फॉर द पार्ट टाइम स्कॉलर्स बिकॉज पार्ट टाइम स्कॉलर्स आपका टाइम ड्यूरेशन बढ़ा देंगे बट जो पार्ट टाइम स्कॉलर्स का बेनिफिट है वो पूरा बेनिफिट आप फुल टाइम स्कॉलर में ले सकते हैं आप शौक हो रहे होंगे कैसे मैं आपको बताता हूँ उसके बाद है फीस स्ट्रक्चर फीस स्ट्रक्चर यू हैव ऑलरेडी सीन दिस इज़ लाइक रजिस्ट्रेशन फीस एंड सिक्योरिटी डिपॉजिट फॉर ऑल दी कोर्सेज एंड फिफ्टी थाउजेंड एंड थर्टी थ्री थाउजेंड फाइव हंड्रेड फॉर द नोएडा कैंपस एंड फॉर गुड़गांव एंड ग्वालियर दिस कैंपस द फीस मे वेरी सम हाउ तो आपको लमसम इतना फ़ीस देना होगा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यू हैव ऑलरेडी सीन कि फिफ्टी फाइव परसेंट मार्क्स आपके होना चाहिए एंट्रेंस एग्जामिनेशन है और अगर हमने कोई भी क्वालिफाई किया लास्ट टू सेशन से तो यू विल बी एग्जाम अब इसके अंदर एक फेलोशिप भी है ये किस देखिए पीएचडी स्कॉलर्स कितने टाइप के होंगे स्पॉन्सर्ड हो सकते हैं लाइक आप किसी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में प्राइवेट कॉलेज में आप जॉब करते हैं और वो लोग आपको स्पॉन्सर कर रहे हैं कि जाइए पीएचडी करिए सेल्फ फाइनेंस हो सकते हैं आपकी खुद की फेलोशिप है कॉपरेट रिसर्च स्कॉलर्स हो सकते हैं वर्किंग फैकल्टी हो सकते हैं रेगुलर अकेडमिक स्टाफ हो सकते हैं एम का या फिर नॉन अकेडमिक स्टाफ तो इस तरीके से आपकी कैटेगरी वेरी करेगी आपके पास खुद की फेलोशिप है देन यू कैन गो फॉर दिस पी फिर इन्होंने एक अपनी फेलोशिप भी निकाली है जिसका कि नाम इन्होंने रखा है आस्टिफ फेलोशिप तो ये आपको मिलेगी अगर आप रेगुलर वाले में ज्वाइन करेंगे तो जिनको कोई फेलोशिप नहीं मिल रही है दे गिव यू अ फेलोशिप ऑन द बेसिस ऑफ योर मास्टर्स डिग्री एंड द एग्ज़ामिनेशन विच यू विल अपियर अब देखिए इसमें क्या है कि इसमें जब कोर्स वर्क कंप्लीट हो जाता है छः महीने और एक साल के बाद आप कैंपस में रह के भी काम कर सकते हैं और कैंपस से दूसरी तरफ भी जाके कर सकते हैं तो इसीलिए मैं सजेस्ट करूंगा कि यू विल गो फॉर गो फॉर रेगुलर डिग्री नॉट फॉर द पार्ट टाइम डिग्री बिकॉज पार्ट टाइम डिग्री में आपका टाइम मिनिमम वेस्ट होगा सो दिस इज माई सजेशन और जो लोग भी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ के फॉर्म नहीं भर पा रहे हो उनके लिए बेस्ट है प्राइवेट विच इज़ एन अमीठी यूनिवर्सिटी फॉर द पी एच डी प्रोग्रामिनेशन और यहाँ के स्टूडेंट्स दूसरी जगह पर जाके अपने को गाइड्स बनाएँ और वहाँ पर काम करें द दून दिस यूनिवर्सिटी प्रोफेसर एंड द गाइड्स विल अलाउ यू टू गो एंड डू यू वर्क इन अदर प्लेसेज इससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता दे विल गिव यू अ फुल फ्रीडम फॉर द रिसर्च वर्कस दिस इज ऑल अबाउट दामिटी यूनिवर्सिटी आपको इससे रिलेटेड कुछ भी डाउट हो मिनिमम से मिनिमम कुछ भी नहीं समझ आ रहा है एन यू कैन आस्क मी हाउ टू गाइड हाउ टू प्रोसीड हाउ टू प्लान योर रिसर्च वन एंड हाउ टू एग्जीक्यूट योर पी एच डी वर्क सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल बिफोर लीविंग एंड लाइक द वीडियो थैंक यू हैव अस डे